दोस्तों कभी ना कभी आपको भी अनजान नंबर का कॉल आया होगा और बोलते हैं कभी बार की रॉन्ग नंबर है, वो तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे कॉल भी आते हैं जो कंपनियों के प्रमोशनल कॉल्स होते हैं। क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, हमारा बैंक फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रहा है, 0 रुपए चार्ज, 0 रुपए मेंटेनेंस फीस वगैरह वगैरह, वो भी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे कॉल भी आते हैं जो आपके साथ बैंक धोखाधड़ी करते हैं, स्कैम करते हैं। मतलब सामने वाला कॉल करके बोलेगा आपको कि मैं एटीएम मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके एटीएम में समस्या आ रही है या बैंक खाते में एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, आप ये करो वो करो, पिन बताओ मेरे को फलाना टीम का। कई लोग जिनको पता नहीं होता वो बातों बातों में ओटीपी बता देते हैं या एटीएम के पिन नंबर सीवीवी वगैरह बता देते हैं, जिससे उनके बैंक खातों से पैसे कट जाते हैं। कई ऐसे भी जो फोन पे पेटीएम के नाम से भी फ्रॉड करते हैं, मैं पेटीएम मैनेजर बोल रहा हूँ, फोन पे मैनेजर बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह। हो सकता है आपको ऐसा कॉल नहीं आया हो लेकिन आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा, राइट। तो इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए, लोगों को ऐसी धोखाधड़ियों से बचाने के लिए भारत सरकार का ट्राई जो है वो एक नया सिस्टम लागू करने जा रहा है। ट्राई का मतलब तो आपने पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का मतलब होता है यानी कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण, जो कि ये सभी सिम कार्ड वगैरह, मोबाइल कॉलिंग, एसएमएस, इंटरनेट वगैरह, इन चीजों का मैनेजमेंट देखता है ना, और ट्राई अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है। और इस नियम के मुताबिक अब सामने वाले को जैसे आपका कॉल आएगा ना, उसके कुछ जानकारी आपको पहले से ही पता चल जाएगी, जिससे कि आपके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। हालांकि इस नए सिस्टम के चालू होने के बाद आप भी अगर किसी को कॉल करोगे तो सामने वाले बंदे को आपके बारे में भी कुछ जानकारी जो पता चल जाएगी। अब ऐसा सिस्टम आपको फील आ रहा होगा, यार ये तो ट्रू कॉलर में पहले से ही है, अपन किसी को कॉल करते हैं तो उसके नाम का पहले हमें पता चल जाता है, राइट। लेकिन हमें वो नाम वही दिखता है जो ट्रू कॉलर में ऐप में आईडी में जो नाम सेव किया हुआ होता है, या ज्यादातर जिन लोगों ने उसका नाम किस नाम से सेव किया हुआ वही नाम हमें ट्रू कॉलर में दिखता है। ट्रू कॉलर में एग्जैक्टली वो नाम नहीं दिखता है जिसके नाम पर सिम कार्ड इश्यू है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ट्राई जो ये नया सिस्टम लागू करने चाह रहा ना, इसमें किसी भी बंदे का कॉल आएगा आपको तो उस बंदे का वो नाम दिखाई देगा आपको जो उसके आधार कार्ड में है, जो उसने सिम कार्ड खरीदी थी तब केवाईसी में जो नाम दिया था ना, वो नाम आपको दिखाई दे जाएगा पहले से ही किसी भी अननोन नंबर का कॉल आने पर। और आप भी किसी बंदे को कॉल करोगे तो सामने वाले बंदे को आपका वो वाला नाम जाएगा जिस नाम के आधार कार्ड से आपने सिम कार्ड खरीदी है, यानी कि केवाईसी में जो आपने नाम दिया ना, वो नाम सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा। अच्छा, सिर्फ कॉल करते समय ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप कॉलिंग में भी अब आपको कॉलर की जानकारी मिल जाएगी। व्हाट्सएप कॉल आता है ना तब भी कॉलर की आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको। बताओगे कई लोग फ्रॉड करने के लिए व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह ना हो। कई बार केबीसी के नाम पर, कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर, फर्जी लॉटरी टिकट निकाले जाते हैं और व्हाट्सएप पर कॉल करके आपकी लॉटरी कंफर्म करने की बातचीत की जाती है। तो ऐसे फर्जी व्हाट्सएप मैसेज से भी सावधान रहें और किसी भी व्हाट्सएप पर कॉल करने वाले बंदे पर भरोसा ना करें आप, अननोन पर, है ना। और ध्यान रखें अपनी जिंदगी में कभी भी आपकी कोई भी प्राइवेट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, किसी भी कॉल करने वाले बंदे को नहीं बतानी है। उसको बोलना कि ये नंबर जानकारी चाहिए तो घर पे आके ले जा, आ जा। मतलब सामने वाले को बोलो कि आप वाकई में अगर बैंक मैनेजर बोल रहे हो, एटीएम मैनेजर बोल रहे हो, तो हमारे घर पे आ जाओ, ये जानकारी ले जाओ, या मैं खुद बैंक आके दे दूंगा, फोन पर मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब पर्सनल जानकारी में सारी चीजें आ गई, जैसे कि आपका नाम, माता पिता का नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपके पैन कार्ड का नंबर, आपके मोबाइल पर आने वाला किसी भी तरह का मैसेज में ओटीपी, आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर, सीवीवी, आपके बैंक खाता का नंबर, के ये जानकारी तो जिंदगी में कभी किसी को फोन पे नहीं बतानी है, ध्यान रखिएगा, वरना आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखें कि किसी भी अननोन मैसेज में कोई लिंक वगैरह आता है तो वो भी क्लिक ना करें आप, और इसके अलावा मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल ना करें। ये कुछ बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपका बैंक खाता सेफ रहेगा और आपके पैसे कटने के चांसेस न के बराबर रहेंगे। और बाकी ट्राई ये नया सिस्टम लागू कर ही रहा तो अच्छी बात है, इससे भी कई सारे भ्रष्टाचार करने वाले, फर्जीवाड़ा करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले लोगों का पहले आपको नाम पता चल जाएगा, डिटेल पता चल जाएगी। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ट्राई को लेकर ये छोटा सा न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप अभी कौन सी कंपनी का सिम कार्ड चला रहे हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल, विच टेलीकॉम सर्विस डू यू यूज नाउ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना था कि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।